हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज के टॉपिक है ब्लूटूथ प्रॉब्लम किस प्रकार सॉल्व करते हो बताऊंगी। फ्रेंड्स, मेरे पास है मोटोरोला फ़ोन है और इसके लिए आपको सेटिंग को ओपन करें। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको यहीं पे दिख जाता है सिस्टम का ऑप्शन, आप उस पर क्लिक कर देंगे। सिस्टम पे क्लिक करने के बाद आपको रीसेट ऑप्शन पर क्लिक करने, दोबारा दिखा देती है सिस्टम के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे एंड रीसेट ऑप्शन पर क्लिक, सॉरी फ्रेंड्स, सिस्टम के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ दिख जाता है, सॉरी फ्रेंड्स, आप मैं सिक्योरिटी पे क्लिक कर देती हूँ एंड आप सिस्टम पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ दिख जाता है रीसेट ऑप्शन, आप उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ, इस पर क्लिक कर देंगे एंड इसके बाद आप यहाँ से रीसेट कर देंगे और जो भी है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। एंड जैसे कि आप ब्लूटूथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के रीसेट करें तो वाईफाई कनेक्ट और डिसकनेक्ट हो जाएगा, बस इसमें यही होता है। आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और इसमें नेटवर्क को रीसेट करना होता है जो भी होता है ब्लूटूथ, और ये तीनों एक साथ रीसेट होता है जो भी होता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और इन्हें रीसेट करने से आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो ब्लूटूथ, अगर आप ब्लूटूथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इन्हें रीसेट कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, आपका जब वाईफाई कनेक्ट होगा या फिर मोबाइल लड़ रहा है तो फ्रेंड्स वो डिसकनेक्ट हो जाएगा। अगर वाईफाई मतलब कि वाईफाई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप रीसेट कर रहे हैं, अगर ब्लूटूथ कनेक्ट है तो वो डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें यही होता है, दोबारा कनेक्ट करते और तो वो सही चलता है और फास्ट भी है। एंड तो फ्रेंड्स, आप इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर एंड नेटवर्क को रीसेट करें तो जो भी होता है ब्लूटूथ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। एंड रीसेट सेटिंग पर क्लिक कर देंगे, जो भी स्क्रीन लॉक लगा रहे इसे ड्रॉ कर देंगे, फिर रीसेट कर देंगे, उसके बाद आपका रीसेट हो जाता है। एंड इसी तरीके से आप अपने फ़ोन में और ब्लूटूथ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स, तब तक नमस्कार।